गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने अपने ही चैनल दीप्ति द ब्लॉगर के ब्लॉग में। तो फ्रेंड, यहाँ मैं टेराकोटा का जो खिलौना वगैरह लाई थी, बस उसी को पेंट कर रही हूँ। तो इस पेंट में हमने लिया है ब्लैक कलर का ऑयल पेंट, जो एशियन पेंट्स का होता है, उसे ही मैंने सारे खिलौनों को कलर करने के लिए 200 ग्राम का एक डिब्बा मैंने लिया था। तो बस उसी से मैं सारे को ब्लैक कलर में कलर कर दूँगी। अब इसके 5 मिनट बाद ही, कलर करने के 5 मिनट बाद ही मैं इसमें वार्निश और थोड़ा सा मिट्टी का तेल और थोड़ा सा मैं इसमें मिलाऊंगी डस्ट पाउडर। डस्ट पाउडर मेरा गोल्डन और वाइट सिल्वर कलर में होगा, तो बस उन्हीं को मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। ऐड करके मैं फिर सारे खिलौनों को कलर कर दूंगी। इसे करना बहुत ही इजी है, तो मैंने सोचा कि मैं जब ये सारा खिलौना ले आई थी तो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था, दिखाया था आप लोगों को, तो आज जब मैं कलर कर रही हूँ तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बस ये कलर मैं यहाँ मेरा लगभग हो चुका है, तो अब मैं इसमें इसी गुड्डे में हम डस्ट कलर भी ऐड करेंगे, डस्ट कलर भी लगाएंगे। तो फिर देखिए, ये मेरा कलर हो चुका है, तो फिर चलिए अब हम इसमें डस्ट कलर अपना लगा लेते हैं। तो डस्ट कलर लगाने के लिए पहले हम थोड़ा सा वार्निश लेंगे, और वार्निश में ज़रा सा हम मिट्टी का तेल ऐड करेंगे थोड़ा पतला करने के लिए उसको। वार्निश थोड़ा गाढ़ा होता है, तो बस इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा करेंगे गोल्डन कलर। इसमें मैं गोल्डन कलर ही लगाऊंगी। तो ये गोल्डन कलर मेरा, देखिए ये पाउच है, ये मुझे यहीं लोकल मार्केट से ही मिल गया था। तो यही गोल्डन कलर मैं कट करके इसमें मिला लूँगी, और मिला के फिर सारे खिलौने एक एक करके मैं लगा लूँगी। मैंने कुछ खिलौनों में सिल्वर लगाया है तो कुछ गोल्डन, और ये मेरे पास कुछ रद्दी कपड़ा था तो उसी रफ कपड़े से मैं ही इसमें डिप करके यहाँ पे मैं इसमें डस्ट कर लूँगी। और डस्ट करने के बाद इसका लुक देखते ही बनता है, तो बस ऐसे ही हमें धीरे धीरे छाप लगाते हुए अपने सारे खिलौनों को कलर कर लेना है। अगर हमें कलर कम लगे गोल्डन कलर, तो इसमें गोल्डन डस्ट हम और थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिला करके तब हम इसमें, यहाँ देखिए मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है, तो मैं इसे एक बार अच्छे से और मिला लूँगी, और मिलाने के बाद फिर मैं इसको फिर से करूँगी। और बस ध्यान ये रखना है कि यह डस्ट कलर लगाते वक्त हम हाथ को बिल्कुल हल्के हाथों से ही प्रेस करना है, प्रेशर नहीं लगाना है, वरना ये कलर अच्छा नहीं आएगा। तो बस ऐसे ही करके मैंने ये सारे खिलौने कर लिए। तो फ्रेंड, मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग पहली बार आए वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि मेरी ये कोशिश, मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। तो ऐसे ही मैंने सारा खिलौना तैयार कर लिया है, मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जब मैंने इसे बना लिया है। तो अभी मैं सारे खिलौनों का लुक भी आपको दूंगी कि कैसा ये लग रहा है। तो बस ऐसे ही एक एक करके सारे खिलौने मेरे तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड, आगे आप इस खिलौने का देखिए कि मेरा ये कैसा लग रहा है। ये बड़ा वाला टेबल है मेरा, इसे भी मैं बिल्कुल उसी प्रोसेस से तैयार कर लूँगी जैसे मैंने अभी गुड्डे को तैयार किया है। तो फ्रेंड, बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर जो जैसा भी लगा, आप लोग कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। तो फिर फ्रेंड, मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप लोग इसे इंजॉय कीजिए। और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ फ्रेंड इसे शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।